आज की वीडियो में हम डॉक्यूमेंट प्रेफरेंस के बारे में बात करेंगे। डॉक्यूमेंट प्रेफरेंस एडिट मेन्यू के अंदर होता है। एडिट मेन्यू में जाकर प्रेफरेंस में जाएंगे। प्रेफरेंस में जाने के बाद डॉक्यूमेंट लेंगे। डॉक्यूमेंट प्रेफरेंस है ये, इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस F11 है। इससे हम शॉर्टकट की के थ्रू भी ले सकते हैं और एडिट के थ्रू भी ले सकते हैं। इस पर डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे तो ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। देन इसके बाद फर्स्ट हमारा मेजरमेंट यूनिट है जनरल। जब हम कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हमारा मिलीमीटर्स में है या इंचेस में है। मिलीमीटर्स में आता है तो वो इस तरीके से नहीं आ पाता जो कि हम बनाना चाहते हैं। जैसे हम 4x7 का कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं, चलिए मैं आपको मिलीमीटर्स में ही दिखा देती हूँ। मिलीमीटर्स से हमारे पास ओके करेंगे। ये लेकर हम इसे ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ करने के बाद एरो टूल से इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ देखेंगे, यहाँ पर हमारा जिसका साइज है 4x7 रख लेते हैं इस तरीके से। ये इतना सा है, ये रहा। अब हम इसी पर जाएंगे, एडिट पे जाकर इसे डिलीट कर देती हूँ। एडिट में जाकर प्रेफरेंस में डॉक्यूमेंट लेकर हम यहाँ पर इंचेस कर देंगे, क्योंकि जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट बनाए तो वो इंच में ही होना चाहिए। इंच पे क्लिक करके ओके कर देंगे और यहाँ से इसको ड्रॉ कर लेंगे। इसे एरो टूल से सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर हम करेंगे 4x7 इस तरीके से। ये इतना बड़ा हो गया, तो ये इंच में था इसलिए इस तरीके से आया। हम जब भी कोई ऑब्जेक्ट बनाए तो उसकी सेटिंग देख ले जाकर, प्रेफरेंस में जाकर डॉक्यूमेंट में, कि वो इंचेस में है या फिर मिलीमीटर्स में है। अब यहाँ पॉइंट कैरेक्टर, कैरेक्टर हमारा ये है जो हमने टाइप कर रखा है टेक्स्ट। कैरेक्टर हमारा पॉइंट में ही होना चाहिए, क्योंकि जब भी हम टेक्स्ट में फॉन्ट का साइज़ बड़ा करते हैं, टेक्स्ट का साइज़ बड़ा करते हैं, तो वो यहाँ पर पॉइंट में ही शो करता है। एरो टूल पे क्लिक करके यहाँ पे इस पर क्लिक करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे साइज़ अलग अलग है। टेक्स्ट का साइज़ 22 है, इसका साइज़ 38 है। तो ये हमारा PT पॉइंट में है, तो हम इसे पॉइंट में ही रहने दें। ये जो फॉन्ट का साइज है वो पॉइंट में ही आना चाहिए। आगे देखेंगे डॉक्यूमेंट में, गाइड्स, स्नैप डिस्टेंस। ये जो हमारा गाइड्स है, ये गाइडलाइन है। जब हम गाइडलाइन को लेकर कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो वो उसको खींचता है अपनी तरफ। तो यहाँ पर इसलिए 0.079 ही है और यही रहना चाहिए। 1 पॉइंट करके मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरीके से यूज़ होता है। 1 करके ओके करा इस गाइडलाइन को ले।
इस तरीके से।